ये देखें, आज मैं बना रही हूँ हांडी चाप। ये देखें हांडी चाप। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज मैं बनाऊंगी बकरे की चापे। मेरे पास हैं ये चापे, 1 किलो बकरे की। ये देखें चापे। अब इसके लिए मुझे चाहिए होगी हरी मिर्चें, 5 टमाटर, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑयल, सिरका, कुटी हुई मिर्चें, पिसा हुआ गर्म मसाला, और ये साबुत धनिया, मैंने इसको कूट लिया थोड़ा थोड़ा सा ना, हल्दी, नमक, ये साबुत जीरा है, इसको भी हल्का हल्का सा कूट लिया है, ये है ओरिगानो और ये है जायफल जावित्री। मैंने भगोने के अंदर तेल डाल दिया। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये देखिए हल्का सा कलर सा चेंज हो गया अदरक लहसुन का। अब मैं ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड करूंगी, सारे मसाले इसके अंदर मिक्स करूंगी, इसको भून लूंगी, 1 मिनट तक भून लूंगी इसको ना। अब ये भुने हुए मसाले में मैं सारी चापे डालूंगी। ये चापे मैंने भून लिए। अब इसके अंदर मैं सिरका डालूंगी, हसबे जायका, कम ज्यादा आप कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से डाल दूँ। मैंने चापों को भून लिया अच्छी तरीके से, इसको फ्राई कर लिया, इसका तेल अलग आ गया। देखें अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के इसको छोड़ूंगी, इतना गलाऊंगी सिर्फ आधे घंटे तक कि मुझे चांपों में गोश्त लगा हुआ चाहिए, वरना ज़्यादा गलाऊंगी तो ये चांपों में से गोश्त अलग हो जाएगा। ये देखें ऐसी चांपे चाहिए मुझे ना, तो आधे घंटा इसको सिर्फ गलाऊंगी कि चांपे गल जाए पानी डाल के। मैं इस शेप में टमाटर काटूंगी, मुझे ये शेप चाहिए टमाटर के ना, 1 पे से 2-2 पीस करूंगी, 1 किलो है ना। ये देखें मैंने टमाटर में से 2-2 पीस करके इसको ये लेयर लगा दिए, इसको इसी तरह रहने दूंगी। जब ये गल जाएगी तो फिर मैं इसकी स्किन इस तरह उठा लूँगी, या तो इसी को इसके अंदर टमाटर को अलग करके 2 कांटों से अलग कर लूँगी। अब देखते हैं इसके प्रोसेस, इसके गलने के बाद क्या पोजीशन आती है, फिर इसी तरह उसी हिसाब से मैं इसको कवर कर रही हूँ ढक्कन से। ये देखिए मेरे इसकी ग्रेवी भी आ गई है अच्छी तरीके से, ये चापे मेरी गल भी गई हैं। अब मैं इसकी स्किन को उतार लूँगी अच्छी तरीके से ना, बहुत हीट हो रही है इसकी ना, मेरे पास चिमटा नहीं है ना, जरा सा इसकी स्किन को मैं उतार के अलग अलग कर लूँगी। ठीक है, देखें इसकी स्किन उतर गई है। अब मैं चापों को अलग करूँगी, फ्राई करूँगी और इसकी ग्रेवी को अलग से फ्राई कर लूँगी। चलो देखें, मैंने सारी चापे निकाल दी हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से इसको टमाटर को मैश करके इसको खूब भून लूँगी कि ये पूरी अच्छी ग्रेवी बन जाए, और एक तरफ मैं चापों को रोस्ट करूँगी। टमाटर की स्किन निकालने का ये भी वजह था, रीज़न था कि मेरे बच्चे स्किन नहीं खाते टमाटर की, जाते भी साइडों में इसको कर रहे होते प्लेट में अलग अलग, तो इसी वजह से मैंने इसकी स्किन निकाल दी, वरना वो सारा खाने की बजाय वो सारे टमाटर की स्किन को अलग करने में लग जाते हैं। देखिए मैंने अलग से इस चापों को निकाल लिया है। अब मैं इसको हल्का सा रोस्ट करूँगी फ्राई पैन में, जैसे इसके अंदर रोस्ट कर लूँगी कि हल्का सा इसके अंदर कलर आ जाए। ठीक है, ये देखिए मैंने पैन में डाल दिया, इसको हल्का सा कलर दूंगी गोल्डन का बस, फिर इसको मैं निकाल लूँगी। मेरे को अच्छा कलर आया गोल्डन, ये गोल्डन कलर चाहिए था इसका। ये देखिए बहुत खूबसूरत आया माशाल्लाह, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है।
देखिए चापे मैंने निकाली है, ये रोस्ट हो चुकी है अच्छी तरीके से। इसका कलर भी कितना अच्छा सा आया है, खूबसूरत सा कलर देखिए आ गया। ग्रेवी, ये देखें ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने ये चापे डाल दिए, ठीक है। अब ये देखें प्याज मैं डालूंगी इसके अंदर, हरा धनिया, ये हरी मिर्चें और पुदीना और थोड़ी सी अदरक। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ओरिगानो। इसको एक मिनट के लिए मिक्स करूंगी और फिर मैं इसको हांडी में डिश आउट करूंगी। ये देखें ये हो गया सारा। अब मैं हांडी में डालूंगी क्योंकि मुझे हांडी का इसकी जो मट्टी की स्मेल होती है, खुशबू होती है ना, वो मुझे चाहिए चापों के अंदर। मैं इसको फाइल करके कवर करके फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी या ऐसी हांडी दस्तर पे लेके जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अलग टेस्ट, अलग फ्लेवर, अलग खुशबू, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू और हटके आपको डिश मिली है। ये चापे बहुत किस्म की चापे बनती हैं, मैं और भी सिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह बनाना। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसके ऊपर से थोड़े से गार्निश के लिए हरा धनिया, हरी पुदीना डालूंगी इसके ऊपर ना, पुदीना और थोड़ी सी अदरक। फिर मैं इसको कवर कर दूंगी फॉइल से और फिर इसको 5 मिनट या 10 मिनट के लिए इसको हल्की सी स्टीम या वो दूंगी, दम दूंगी, क्योंकि इसकी मुझे मटकी की खुशबू चाहिए इसके अंदर ना, ये मटकी की हांडी की मुझे इसमें खुशबू चाहिए। ठीक है, मैंने गार्निश कर दिया हरी मिर्चें, अदरक लहसुन, पुदीना, हरा धनिया से और ये थोड़ा सा ओरिगानो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा छिड़कूंगी, तो फ्लेवर चाहिए ओरिगानो का। ठीक है, ये देखें बिल्कुल रेडी हो गई है। इतना खूबसूरत कलर और खुशबू बहुत अच्छी आई माशाल्लाह। अब मैं इसके ऊपर फॉइल कवर कर दूंगी, ऊपर फॉइल है, इसको अच्छी तरीके से फॉइल को कवर करूंगी कि मुझे इसकी अच्छी सी खुशबू चाहिए मटकी की ना। देखिए मैंने फॉइल से इसको कवर कर दिया अच्छी तरीके से, हांडी को पूरी चारों तरफ से फॉइल को इसको कवर कर दिया। अब मैं इसको हल्की सी आँच पर छोड़ दूँगी, इसकी थोड़ी सी खुशबू मुझे चाहिए, अच्छी सी खुशबू आ जाए। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और ये मैंने साइड में मैं गरम गरम चपातियाँ डाल रही थी, ये चपातियों के साथ इसको मैं सर्व किया है दस्तर पे बहुत, और इसको दिखाऊँ मैं आपको बहुत केयरफुल होके, फॉइल गरम है और ये देखिए बहुत मज़े का है। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है, और मटके की भी इसके अंदर खुशबू आ गई है। और बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।